check the mic and make sure it sound right, boys. इंडियन मार्केट में क्या था कि जब नई नई ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक नाम से फेमस हुई थी, वो था छोटा हाथी। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ टाटा एस का फ्लैट बेड, जो अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है, ये आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। प्राइस में अगर आपको इसकी बता दूँ तो ये 5,80,000 रुपये की ऑन रोड रायपुर की प्राइस में आ जाती है। आपके स्टेट और मेरे स्टेट में प्राइस का डिफरेंस रहेगा ही। ये क्या है कि ना, आपको डीजल इंजन ऑप्शन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पेट्रोल का भी ऑप्शन रहेगा, और सीएनजी तो मेरे यहाँ स्टेट में इतना ज़्यादा चलता नहीं है, तो पेट्रोल और डीजल ज़्यादा चलन में, तो आज मैं आपको डीजल इंजन जो है ये जस्ट बगल में खड़ी है ये दिखाने वाला हूँ। फ्लैट बेड 5,80,000 रुपये की प्राइस में आती है। हाँ, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि ये जब इंडियन मार्केट में आई थी ना, तब ना मतलब ऐसा था कि उस टाइम में कम प्राइस में ये ज़्यादा कुछ ऑफर कर दे रही थी, मतलब छोटी थी साइज़ में और प्राइस में भी देखा जाए तो कम थी, और ये लोडिंग कैपेसिटी ना इसमें कुछ ज़्यादा ही लोगों ने डाल डाल के ना खूब कमाया है, और आज भी देखोगे ना तो ये लोगों की काफ़ी ज़्यादा पसंदीदार गाड़ी है। इससे पहले क्या था कि ना, ये HD आई थी, HD में क्या हेडलैम्प थोड़ी सी अलग टाइप है, बीच में क्या है कि ना ये जो मतलब गोल्ड है ना, ये राउंड हेडलैम्प वाली, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको मतलब वापस से लॉन्च कर दिया गया क्योंकि इसका लेवल ही अलग है। चलो आज मैं आपको इसका जो फ्लैट बेड है वो दिखा। तो फ्लैट बेड जैसा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पीछे में जो तीन पार्टीशन है डाला के, वो तो गायब ही कर दिए गए हैं। ये बेसिकली देखा जाए तो मतलब फोकस करके बनाई गई है, जो मुर्गी फॉर्म वगैरह वाले भैया हैं, सब्जी वाले भैया, या फिर जिनको मतलब जो कंपनी वाले डाला है पसंद नहीं आते, वो अपने हिसाब से अपने अनुसार से बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये गाड़ी प्रॉपर बनाई गई थी टाटा मोटर्स की तरफ से। और ये गाड़ी का जो डिज़ाइन है ये काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे ही चला आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया बीच में ये वाला जो डिज़ाइन है इसको बीच में हाइप करने की कोशिश की गई, लेकिन इसका जो क्रेज़ है इंडियन मार्केट में और कुछ भी नहीं है इसके जैसा। छोटी है और प्राइस में भी देखा जाए तो कम है, और ये क्या है कि ना, कमा के काफ़ी अच्छा तगड़ा मुनाफा भी आपको दे देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो यहाँ पर वाइपर्स आपको नॉर्मल मिलते हैं, इसमें वॉशर वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। गोल्ड प्लस यहाँ पर आपको गोल्डन कलर में लिखा हुआ आ जाएगा, और जो हेडलैम्प है ये मल्टी रिफ्लेक्टर सेटअप के साथ में राउंड में आता है। इसका जो थ्रो है ना, बहुत ही अलग ही, बहुत ही खतरनाक लेवल का, राउंड शेप वाले जो हेडलैम्प रहते हैं उनका थ्रो बहुत ही अलग रहता है। ग्रिल यहाँ पर हनीकॉम पैटर्न में आ जाता है, टाटा का लोगो और एस की ब्रांडिंग यहाँ पर नजर आएगी। नीचे का जो बम्पर है ये आपको ब्लैक कलर में नजर आया करेगा। बाकी अगर साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप का रहेगा, काफ़ी छोटी सी गाड़ी लगती है देखने में, लेकिन जैसा कि मैंने बताया छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। मिरर यहाँ पर आपको मैनुअल ऑपरेटेड मिलने वाले हैं, और यहाँ पर आउटर डोर हैंडल 12 इंचेस के यहाँ पर आपको व्हील नज़र आने वाले, स्टील व्हील रहने वाले, और यहाँ पर आप फ्लैट बेड देख सकते हो, ये फ्लैट बेड है जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर इसके लंबाई के बारे में बात करें तो 2.2 मीटर की यहाँ पर लंबाई देखने को मिलेगी, और 1.49 मीटर का यहाँ पर चौड़ाई देखने को मिल जाता है फ्लैट बेड में। बाकी इसका जो टेल लैंप है ये आपको हैलोजन देखने को मिलेगा, और ये है इसका रिवर्स लैंप। तीन पार्किंग सेंसर, जैसा कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है कि भैया आपको अपनी गाड़ियों में ये चीज़ देना ही देना है, फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों में ही आपको लीफ स्प्रिंग यानी जो कमानी पट्टा बोलते हैं वो आपको मिला करेगा। और मतलब जो फ्यूल फिलिंग का ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिलेगा, 10 बोल रहा हूँ, 30 लीटर की टंकी मिल जाएगी, और इसमें DEF यानी एड ब्लू टैंक भी मिलाएगा, जो कि आती है 10.5 लीटर की कैपेसिटी के साथ में। बैटरी यहाँ पर देखा जाए तो एक्साइड की आपको मिला करेगी, एक्साइड की बैटरी है। व्हील्स ये सारी चीज़ें देख लो, फ्रंट में यहाँ पर डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक रहते हैं। चलिए अब आपको जो इसका इंटीरियर है वो दिखाता हूँ। इंटीरियर में उतना कुछ खास है मतलब आपको नज़र नहीं आएगा, बट टाटा इसको जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था इसको। तो फ्रंट का जो डोर का नज़ारा है, फ्रंट ही डोर है बस, इसमें देख लो ये कुछ इस टाइप का रहेगा। सारी चीज़ें इसमें आपको मैनुअल ऑपरेटेड मिलेगी, इवन यहाँ पर जो स्टेयरिंग व्हील है ये भी देखा जाए तो आपको मैनुअल ऑपरेटेड मिलने वाला है। यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर हेडलैम्प के कंट्रोल, इस साइड में वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं, हेडलाइट लेवलिंग स्विच यहाँ पर रहेगी, और तीनों यहाँ पर आप पैडल्स देख सकते हो। पहले वाली जो शुरुआती मॉडल्स आती थी उसमें क्या है कि ब्रेक जो है वो मैनुअल आता था, लेकिन अब यहाँ पर ब्रेक बूस्टर भी आपको नजर आएगा, मतलब अब ये हो चुका है वैक्यूम ब्रेक के साथ में आता है मैनुअल हैंड ब्रेक। और यहाँ पर जो गियर नॉब है ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का रहेगा। सीटें आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इस टाइप की रहेगी, वेनाइल अपोस्ट्री देखने को मिल जाती है, और सीट की कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर मैप पॉकेट मिल जाता है, यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है। बाकी अगर इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को मैं अगर आपको दिखाऊँ
तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल ये कुछ इस टाइप के इंटरफेस के साथ में रहने वाला है। यहाँ पर स्पीड मीटर, यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर कूलेंट टेम्परेचर रियल टाइम, और यहाँ पर ओडोमीटर की मेन रीडिंग, यहाँ पर आ जाता है इसका फ्यूल मीटर, और यहाँ पर DEF लेवल वो बताने वाला है, और आगे करें ट्रिप ए ट्रिप बी, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है इसमें। और देखा जाए तो साइड्स में वार्निंग लाइट्स भी मिला करेगी। यहाँ पर USB चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, और यहाँ पर देखा जाए तो बटन मिल जाता है ये DEF का, और यहाँ पर मिल जाता है पावर कप बटन, और एक यहाँ पर डमी मिल जाता है, डमी बटन टाइप का कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पर इसका ग्लव बॉक्स मिल जाता है कुछ इस टाइप का, तो ग्लव बॉक्स भी यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर भी स्पेस मिल जाती है जहाँ पर आप सामान वगैरह कुछ रख सकते हो। इनर रियर व्यू मिरर, और यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल जाएगी। इस साइड में सनशेड मिलता है लेकिन पैसेंजर साइड में नहीं दिया जा रहा है इंट्रा की तरह। और यहाँ पर भी देखा जाए तो मतलब इसका गियर नॉब है, ये देख लो, ये 4 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स रहने वाला है। कैबिन यहाँ पर देखा जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऐसा, तो ये देख लो कैबिन भी काफ़ी स्पेशियस रहने वाली है। 3 लोग आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो। बाकी टाटा एस का गोल्ड, जो गोल्ड प्लस है फ्लैट बेड, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएगा। और अगर आपको इसकी टेस्ट राइड EMI रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जायका ऑटोमोबाइल रायपुर में विजिट करके सारी डिटेल्स आप पूछ सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।